एक गलती के कारण अस्पताल पहुंच गए धर्मेंद्र। 40 साल की उम्र में भी फिल्मों में एक्टिव धर्मेंद्र ने कर दी थी एक ऐसी खता जिसके चलते उन्हें अस्पताल के आईसीयू में होना पड़ा था भर्ती। जी हाँ, बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार और ही मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र की सेहत बीते दिनों काफी बिगड़ गई थी। तकरीबन 4 दिन पहले उन्हें बेहद दर्द की हालत में अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। साउथ मुंबई के एक हॉस्पिटल के आईसीयू में धर्मेंद्र का इलाज चला। बीते दिनों धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल भी अपने पिता से मिलने के लिए अस्पताल में पहुंचे थे। धर्मेंद्र की बिगड़ी तबीयत की खबर जैसे ही उनके फैंस तक पहुंची, सभी की चिंता और बेचैनी बढ़ गई थी। फैंस अपने प्रिय अभिनेता के जल्द सेहतमंद होने की दुआएं करने लगे थे। हालांकि अब राहत की बात यह है कि धर्मेंद्र पूरी तरह से स्वस्थ हैं और ठीक होकर अपने घर भी लौट आए हैं। घर लौटने के बाद धर्मेंद्र ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बताया है कि आखिर किस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। धर्मेंद्र ने अपने वीडियो में साफ कहा है कि उन्हें बेइंतहा कमर दर्द के चलते अस्पताल में एडमिट होना पड़ा था। अपने इस वीडियो में धर्मेंद्र फैंस को कुछ भी ज्यादा ना करने की सलाह देते हुए कह रहे हैं कि दोस्तों, कुछ भी जरूरत से ज्यादा मत करो। मैंने किया और मुझे कमर में एक बिग मसल पुल का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही धर्मेंद्र ने ये भी बताया कि कमर की मसल्स में खिंचाव आने के चलते उनके 2-4 दिन बेहद दर्द में गुजरे थे। इसी वजह से उन्हें हॉस्पिटल की सैर भी करनी पड़ी। हालांकि अब उनकी हालत में सुधार आ गया है और वो अपने घर वापस भी लौट आए हैं। Friends, don't do anything over. I did it and I suffered a big muscle pull back. So I मुझे हॉस्पिटल की सैर करनी पड़ी। 2-4 दिन तो मुश्किल वहाँ तो। Anyway, I'm back. With your good wishes, his blessings. So don't worry. I'll be very careful. Okay? Love you all. अस्पताल से बाहर आते ही धर्मेंद्र ने अपने चिंतित फैंस के लिए एक वीडियो शेयर कर अपनी हेल्थ अपडेट दी थी, जिसके बाद उनके फैंस ने भी राहत की सांस ली है। बता दें कि 86 साल के धर्मेंद्र लंबे वक्त के बाद फिल्मों में वापसी करने जा रहे हैं। धर्मेंद्र फिलहाल करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में काम कर रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, शबाना आजमी और जया बच्चन मुख्य भूमिकाओं में हैं। 48 साल के बाद धर्मेंद्र और जया बच्चन एक साथ स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहे हैं। इससे पहले वो आखिरी बार एक साथ फिल्म शोले में दिखे थे। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के अलावा धर्मेंद्र अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म अपने 2 में भी काम करने वाले हैं। फिल्म के बारे में कुछ समय पहले ही धर्मेंद्र ने घोषणा की थी। खास बात यह है कि अपने 2 में देओल परिवार की तीनों पीढ़ियां एक साथ काम करेंगी। धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल के अलावा सनी के बेटे करण देओल भी अपने 2 में नजर आएंगे। इस फिल्म की शूटिंग सनी गदर 2 की शूटिंग खत्म होने के बाद शुरू करेंगे। इन दोनों धर्मेंद्र अपने लोनावला वाले फार्म हाउस में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताते हैं। वो लंबे वक्त से वहीं रह रहे हैं और सिर्फ काम के सिलसिले में ही मुंबई लौटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।